तैयारी की, लेकिन थोड़ा ये है दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंडिया की टीम चुनी जा चुकी है। It's part of life. Not everything will go your way. Because frankly, I mean, he's done nothing wrong. Nor has Shubman Gill for that matter. रिंकू सिंह को इस टीम में जगह नहीं मिली है। सिलेक्टर अजीत गरकर का मानना है कि जो रिंकू सिंह हैं, वो अभी T20 वर्ल्ड कप की लेवल के प्लेयर नहीं है। रिंकू सिंह को रिजर्व प्लेयर्स में रखा गया है। केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर ने अजीत गरकर की सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाए हैं। इतनी ज्यादा पावर किसी को भी देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। अल्टीमेटली टीम स्पोर्ट में आप सबके साथ मिलके चलते हो। गौतम गंभीर ने कहा कि रिंकू सिंह एक विस्फोटक खिलाड़ी है और इसकी टीम में सिलेक्शन होनी चाहिए थी। रिंकू तो दोस्तों, आपके वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा प्लीज़। थैंक यू।